बात, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त है। तुम अपने आप को समझो, जागो। तुम मोह निद्रा में सोती हुई जो पापाचरण रत ये सब क्रियाएं, इनसे जागो। दुलार मत करो इंद्रियों का, हठ मत करो, बात मान लो। श्रीपाद करे हठम न करो। बंधने सुतकलत मित्रादि के वपुर व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। अय वत्स, हमारी बात को समझ लो। ये जितने संबंध है तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं। इनकी आसक्ति तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। यही आसक्ति तुम्हें भजन नहीं करने दे रही, तुम्हारे स्वरूप का अनुभव नहीं होने दे रही, तुम्हें मुक्त होने नहीं दे रही, तुम्हें महासुख में निमग्न होने नहीं दे रही। हट मत करो इस आसक्ति से, अपने आप को बचाओ, उन्हीं के बीच में रहो, प्रभु के होके रहो, प्रियाजू के होके रहो, उनका आश्रय स्मरण आपको ऐसे परिवार में रखेगा जैसे कीचड़ से प्रकट हुआ कमल जल में ही रहता है, पर ना कीचड़ स्पर्श करता है उसको और ना जल, रहता उसी में है। जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे आप संसार में रहते हुए बंधन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएंगे। हे मित्र, हे वत्स, हट मत करो, आसक्ति में मत फंसो। इंद्रियों को विषयों का संयोग अधर्म पूर्वक कराकर सुख होने की लालसा का त्याग करो। और मेरी अगर प्रार्थना जच जाए, तो व्यवस्था बन जाए, तो इस शरीर को वृंदावन में छोड़ो। बात क्या आंतरिक, कि अगर कहीं ऐसा विधान बन जाए कि आप अखंड वृंदावन वासी बने और यहीं आपका शरीर छूटे, तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से लाभ नहीं मिलता वो लाभ मिल जाता है। हे दैत, हे प्यारे, मेरी बात मान लो। देखो जैसे माँ अपने बच्चों को दुलार करती है, जो संत जन है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति का हर समय मधुर नृत्य होता रहता है, उनका हृदय इतना करुणामय होता है, क्या दे दूं, क्या बता दूं, क्या करूं जिससे सब सुखी हो जाए। जैसे मां का हृदय, आप भले मां को आप कटु वचन कहें, मां की अवहेलना करें, पर वो अच्छे से अच्छे पदार्थ चयन करके आपको पवाना, आपको सुखी देखना, खेलते देखना, ये उसका हृदय है, उसकी बुद्धि नहीं है, ये उसका हृदय है। बुद्धि से वो तुम्हें डांट सकती है, लेकिन हृदय उसका हर समय दुलार करता है। ये महापुरुषों का ऐसा हृदय है जो हर समय चाहता रहता है, क्या सूत्र निकालूं जिससे सबका कल्याण हो जाए, कौन सी ऐसी बात बता दूं जिससे सुखी हो जाए। जो प्रभु के आनंद में मगन महापुरुष है, श्रीपाद कितना प्यार कर रहे हैं। हे दैत, ये शब्द भगवान के लिए है। हे प्यारे, पर वो हमारे लिए बोल रहे हैं। हे प्यारे, हम सबको कह रहे हैं। देखो एक बात मेरी मान लो, यश का निरंतर गान करो तो सिर्फ राधा माधव के, हरि यश गान करो, प्रियाजू का यश गान करो, किसी भी भगवान के जो लीला चरित्र अवतार चरित्र हैं, ये सब पावन करने वाले हैं, इनका ही यश गान करो। श्रवणेंद्रिय से केवल इनका ही यश सुनो, चुगली निंदा प्रपंच की बातें मत सुनो। जो प्रिया प्रीतम में उन्मत्त हैं, ऐसे भक्तों के समीप बैठ करके प्रभु की वार्ता सुनो, प्रभु की वार्ता करो। देखो मोबाइल से सुनना बहुत अच्छा है, सुनने को तो मिल रहा है, लेकिन यहां बैठ करके सुनना एक अलग स्वरूप है, क्योंकि ये परम पावन प्रियाजू की चरण चिन्हों से युक्त भूमि है जहां बैठे हो, और परमाणु है यहां। इन परमाणुओं के साथ भक्तों के संग में जब आप सुनते हैं तो एक विशेषता होती है,
अब सौभाग्य प्रतिदिन ऐसा नहीं है तो हम सत्संग का लाभ लें, उससे वंचित क्यों रहें। सुने यंत्र के द्वारा सुने, पर विशेष बात श्रीपाद कह रहे हैं कि कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि प्रभु के भक्ति में प्रेम में जो आनंदित हैं भक्तजन, उनके निकट बैठकर उनकी सभा में बैठकर सुनने को मिले साधु समागम। भगवान आज बहुत प्रसन्न हुए, मुझे साधु समागम दिया। साधु समागम बैठकर सुनना, इसका कुछ विशेष लाभ है। अगर ऐसा ना होता है तो कैलाशपति भगवान शंकर हंस रूप धारण करके कागभुशुंड जी की सभा में क्यों बैठते। शिव रूप में आते तो कागभुशुंड जी साष्टांग प्रणाम करके ऊपर बैठालते। जगत गुरु महावैष्णवाचार्य भगवान शिव के आगे कौन बोल सकता है, लेकिन है कुछ स्वाद सुनने में। तो अपने को हंस रूप में आकर सभा के बीच में से बैठे परम ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज, जहां भगवान का चरित्र होता है, गुप्त रूप में कोई न कोई वेश रखकर आते सुनते भगवत प्रेमी महात्मा सभा में। ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। जो प्रभु के आनंद में मगन रहते हैं, ऐसे भक्तों के निकट बैठ करके भगवत चर्चा करना और भगवत चर्चा सुनना, ऐ मेरे मित्र, समरस रसिकों का संग प्रेम प्रकट कर देता है। समरस इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जो मन में आया सो बोल रहे हैं, जहां मन में आया जहां की बात जैसे वैसे। इष्ट मिले मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। ऐसे भक्तों के संग से जब हम बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं, भगवत यश सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भगवत भक्ति की प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा या भगवत भक्ति का वर्धन निश्चित हो जाता है। दो प्रकार का सत्संग होता है। एक होता है बहुत संशयात्मा वृत्ति वाला उपासक, जब साधु संग करता है तो उसे बहुत काल सत्संग करना होता है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। और एक होता है विश्वासी भक्त, सीधा सरल स्वभाव, जो बोला स्वीकार कर लिया, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। वो तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक बात पकड़ ली, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ गया।